मंगलर के साथ मैं हूँ कायनत मलिक। सबसे पहले KNN हेडलाइंस। कोरोना की तीसरी लहर के दौरान एक दिन में सबसे ज्यादा अमवात। कोरोना से मजीद 149 अफराद इंतकाल करके मजमू अमवात 16,243 हो गई। 6,123 नए केसेस रिपोर्ट। सरबरा NCOC असद उमर कहते हैं 50 से 59 साल वालों की वैक्सीनेशन 21 अप्रैल से शुरू होगी। पार्लियामानी सेक्रेटरी सेहत ने भी अच्छी खबर सुना दी, कहा वैक्सीन जल्द पाकिस्तान में बनना शुरू हो जाएगी। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की रिहाई खटाई में पड़ गई। दो रुकनी जजेस ने अलग अलग फैसले कर दिए। एक जज ने जमानत देने और दूसरे ने मुस्तरद करने का फैसला तहरीर किया। मामले पर फैसले के लिए चीफ जस्टिस रेफरी जज मुकर्रर करेंगे। कराची हैदराबाद M9 पर टूल प्लाजा के करीब ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया। टक्कर से 3 अफराद जान भाग, ड्राइवर फरार। जहांगीर तरीन को पहले जमानत में तस्वीर मिली, फिर तरीन की जेर इजलास हुआ। 30 से ज्यादा हम हयाल अरकान कौमी और सूबाई असेंबली में शरीक हुए। बाद अरकान की इस्तीफों की पेशकश को फिलहाल मुस्तरद कर दिया गया। अगला इजलास 21 अप्रैल को होगा। जहांगीर तरीन ने फिर कह दिया चीनी की कीमत बढ़ने से उनका कोई ताल्लुक नहीं। करदार कुशी कौन कर रहा है, नाम क्यों नहीं लेते। जहांगीर तरीन का नाम बताने से इनकार। इसहाक हाकवानी को भी नाम लेने से रोक दिया। शौकत तरीन और शिबली फराज ने वफाकी वजीर का हलफ उठा लिया। शौकत तरीन हजाना की रखवाली करेंगे, शिबली फराज साइंस के वजीर होंगे। कहते हैं अरकान की पहली हमदर्दी इमरान खान और पार्टी नजरिए के साथ ही है, किसी को NRO नहीं मिलेगा। में एक दिन में 2 मुशीर और 1 मामले खुसूसी मुस्तीफा। वजीर आला महमूद खान ने मुशीर साइंस और टेक्नोलॉजी जियाउल्लाह बंगश, मुशीर तवानाई हमायतुल्लाह और मामले खुसूसी एक्साइज जमाल के इस्तीफे मंजूर कर दिए। राणा सनाउल्लाह ने कल इस्तेमाल की कि इससे पहले ताह हुसैन ने इस्तेमाल की थी, ये जो मजहबी तंजीम है इन्होंने इस्तेमाल की थी। दोनों को देख लिया है कि वो इस वक्त कहाँ पे है। फैसला किया है कि राणा सनाउल्लाह के खिलाफ टेररिज्म का और मुतलका कानून का खतरा होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वजीर इत्तला फवाद चौधरी ने कहा राणा सनाउल्लाह ने दहशत गर्दों वाली जुबान इस्तेमाल की है, किसी को सरकारी अफसरान के बीवी बच्चों को धमकियाँ देने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। फवाद चौधरी का इंसदादे दहशत गर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाने का ऐलान। वजीर आला पंजाब उस्मान मुज़्दार का भी सख्त रद्द अमल, कहा खामोश नहीं बैठेंगे, धमकियाँ देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। को या किसी भी बंदे को जो एक गैर कानूनी अमल का हिस्सा हो उसको वार्न करना, उसको खबर करना धमकी नहीं है। राणा सनाउल्लाह का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द अमल, कहा फवाद चौधरी मुदई बने और मुकदमा दर्ज करवाए। मजीद कहा किसी अफसर को खबरदार करना धमकी नहीं, अपने मौका पर कायम रहूंगा। राणा सना का जवाब नियत साफ होती तो जिस तरह सिंध गवर्नमेंट ने इनको मुस्बत जवाब दिया था, लेटर लिखा था जिसको वो NOC कहते हैं, वो एक हमारा एक लेटर था जिसमें बहुत सारी चीजें हमने लिखी थी, तो उस पर आकर बात करते तो फिर तो इनकी नीयत ठीक थी। ये जो ऑर्डिनेंस निकालना है इसमें इनकी बदनीयती भी शामिल। वफाकी हुकूमत ने जजायर पर हुकूमत के हक का जवाब सदारती ऑर्डिनेंस से दिया, बदनीयती का मुजाहरा किया। वजीर बलदयाल नासर शाह कहते हैं स्टीप होटल्स को इत्माद में लिया जाए। जमीन के तनाजे पर कोहाट में फायरिंग से बाप और 3 बेटों की जान चली गई। 4 सदा में जमीन के तनाजे पर 4 अफराद हलाक हो गए। बैंक में डकैती, बाहर निकल कर वारदात। कराची गुलशन मुआवजे में बैंक से 6 लाख रुपए लेकर निकलने वाले शहरी को लूट लिया गया। मुलजिम बगैर किसी काम बैंक में बैठा रहा, किसी ने सवाल तक न किया। मुर्गी की किल्लत बनाएंगे, कीमत ऊपर लेकर जाएंगे। मुनाफाखोरों का हर बार हफ्ते में 3 दिन मुर्गी की सप्लाई बंद कर दी गई। मुर्गी का गोश्त 500 रुपए फी किलो तक पहुँच गया। कीमत में मजीद इजाफे का हर्षा, शहरी हुकूमत से नाराज। पता नहीं क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा है कीमतें,
बताए साढ़े क्या हिसाब होगा, ये मुर्गी 500 से ऊपर होगी, ये खीमा लेने खड़ो तो साढ़े। और अहमदाबाद नथिया गली और यूबीआर ठंडियानी में बारिश, महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला रातगी तक जारी रहेगा। ये थी अब तक की हेडलाइंस, मजीद अपडेट के लिए देखते रहें केएनएन न्यूज लाइव, हर खबर तहकीक के साथ।